आपका नाम? मैं राकेश चौधरी, टीवी कंट्रोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन से हूँ। मैं राकेश चौधरी, टीवी कंट्रोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन से। सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या मांगे आपकी जो आप यहाँ इतने दिन से बैठे हैं? देखिए हम लोग 26 दिन से यहाँ बैठे हैं जी। हमारी यूनानिमस डिमांड जो है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो है सेम वर्क सेम पे, जो कि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि आप एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन किसी को नहीं दे सकते हैं। वो जस्टिस खेहर ने भी माना है और जस्टिस खेहर हमारे मुख्यमंत्री जी हर जगह डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। जस्टिस खेहर साहब का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 ये कहता है कि एक ही काम के लिए आप एक जैसा वेतन कर्मचारियों को देंगे, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट हो या टेम्प्ररी एंगेजमेंट हो। तो बस इसी एक डिमांड के लिए हम लोग यहाँ आके आंदोलन कर रहे हैं। आप दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी हमें लिख के दिया था, एज द मैटर द डिमांड्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन सीम्स टू बी जेन्युइन सिंस दे आर परफॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ वर्क एज द रेगुलर एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें लिख के दिया था और हमारे फाइल में चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद आज 26 दिन से पूरे 2760 नेशनल हेल्थ मिशन RNTCP और 12 वर्टिकल प्रोग्राम्स के कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी डिमांड्स को अनजस्टिफाइड कहा जा रहा है। अब खुद मानने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना, हमारी सरकार ने माना, लेकिन अब जो है इस परिस्थिति में आके वो कह रहे हैं नहीं जी आपका तो डिमांड अनजस्टिफाइड है। तो अब जब न्यायपालिका हमें देने के लिए तैयार है, विधायिका पहले तैयार थी, लेकिन अब विधायिका कहती है नहीं जी नहीं आपका डिमांड अनजस्टिफाइड है, तो एक ही तरीका बचा था कि हम चौथा स्तंभ जो है हमारे प्रेस का, वहाँ तक हम पहुँचें और आप लोगों के थ्रू ये मैसेज भिजवाएं वहाँ तक कि जब तक आप हमें ये समान कार्य समान वेतन का लागू नहीं करते, हमें ये न्याय नहीं देते, तब तक हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। जबकि पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी दिल्ली में कहीं भी जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्लान है मिशन इंद्रधनुष, उसके थ्रू टीकाकरण नहीं हो रहा है। हमारे जो डॉट्स कर्मचारी हैं एक भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी है, डायरेक्ट दवाई खिलानी चाहिए वो नहीं खिलाई जा रही है, जो लैब में बलगम की जाँच होती थी वो नहीं हो रही है। हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू कल्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एसिमिलेशन टेस्ट CVNET बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट है, लेकिन उसके लिए वहाँ कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। आप पूरी दिल्ली में पता कर लीजिए 26 टेस्ट क्लिनिक में कहीं भी वो जांच पिछले 26 दिन से नहीं हो रही है, फिर भी ये सरकार कहती है नहीं जी नहीं हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अब इसका तो सारा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। राकेश जी, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ये कहती है कि आने वाले 2025 के अंदर हम TB को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्या ये इसी तरह ख़त्म करना चाहेंगे? क्या हमें ख़त्म करके TB का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे? ये मैं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा कि ठीक है आप कह रहे हैं 2025 तक हम TB को ख़त्म कर देंगे, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका कोई टीका नहीं बनता, और आप कह रहे हैं कि मैं TB की बीमारी को ख़त्म कर दूंगा, तो क्या TB कर्मचारी की ज़िंदगी को ख़त्म करके आप TB ख़त्म कर सकते हैं? जब मेन पावर जो वर्कर्स हैं आपके वही नहीं रहेंगे, तो आप किस बिहाफ पे आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं TB का बीमारी ख़त्म कर दूंगा? ये हमारी समझ के पड़े। राकेश जी, जो डोट की जो आपने डोट की बात करी, जो डोट में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर पेशेंट को आप लोग कहते हैं एक बार दवाई ना दी जाए तो वो लाइलाज हो जाती है? जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर TB की दवाई छोड़ छोड़ कर खाई जाए, अगर TB के दवाइयों के कोर्स के बीच में इंटरप्शन आता है तो ये लाइलाज बीमारी में तब्दील हो जाता है। और ये हम लोग हर मरीज को समझाते हैं, हमारा काम है मरीज को समझाना कि तुम लोग दवाई को बीच में नागा मत करना, अगर तुम्हारी दवाई भी बीच में छूट जाती है ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB की ओर तब्दील हो सकती है, एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट TB की ओर तब्दील हो सकती है। तो अब आजकल यही हो रहा है क्योंकि वह अप्रशिक्षित हैं, जो NGOs के द्वारा कहीं कहीं दवाई एक एक महीने की बटवाई जा रही है, जो हमें सामने दवाई खिलानी थी जिस पेशेंट को, वो आज ऐसे ही एक एक महीने की दवाई बटवाई जा रही है, वो भी कैसे, कहाँ CP खिलानी है, कहाँ IP खिलानी है, उन्हें कुछ पता नहीं, उल्टी सीधी हरकत करी जा रही है, उल्टी सीधी दवाई खिलाई जा रही है।